9.7 मिश्र धातु एलॉयस। किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना एक प्रचलित विधि है। ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव एक धातु हो मिश्र धातु कहलाता है। इसे ठोस विलयन भी कहते हैं। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल से अनेक मिश्र धातुओं का निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है। मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण धातु की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना तथा धातु के गलनांक को कम करना है। मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकती है तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु या अधातु तत्व का निश्चित अनुपात मिलाया जाता है। बाद में इसे ठंडा कर मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इसे बनाते समय धातुओं या अन्य तत्वों का चयन उनके विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है, ताकि मिश्र धातुओं में हम वांछित गुण प्राप्त कर सकें। लोहा सर्वाधिक उपयोगी धातु है, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नर्म होता है। जब इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तब यह कठोर हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम लोहे को जंग लगने से बचाता है, जिससे लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है। क्रियाकलाप 7। अपने घर और विद्यालय में उपयोग की जाने वाली धातुओं की सभी वस्तुओं की सूची बनाइए। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध धातु से बनी हैं तथा कौन सी मिश्र धातु से, उसे नोट कीजिए। इन्हें धातु या मिश्र धातु से बनाए जाने के कारणों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। यहाँ कई इस्पात संयंत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में लौह कार्य का एक प्राचीन इतिहास है और अलग अलग क्षेत्रों में लोहे की कारीगरी की तरह तरह की परंपराएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ लोहे के अयस्कों से निष्कर्षण की विधियां ढूंढी, बल्कि लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुएं भी तैयार की हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: खनिज, अयस्क, धातुकर्म, निष्कर्षण, भर्जन, निस्तापन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, द्रवण, प्रगलन, गालक, धातुमल, वात्या भट्टी, परिष्करण, संक्षारण, रोधिका रक्षण, उत्सर्ग रक्षण, मिश्र धातु। हमने सीखा: पहला, धातुओं में धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्ध्यता तथा ध्वनिकता होती है तथा ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। तीसरा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय अथवा उभयधर्मी हो सकती है। पांचवा,
धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। छठवां, धातुएं अम्लों से क्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। सातवां, धातुएं प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त रूप में उपस्थित रहती हैं। आठवां, धातुओं को उनके अयस्कों से पृथक करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म के तीन चरण हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, धातु का निष्कर्षण। तीसरा, धातु का शुद्धिकरण। नौवां, धातु के अयस्क की प्रकृति के आधार पर उसके सांद्रण की विधि का चयन किया जाता है। दसवां, सांद्रण मुख्यतः गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि तथा चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। ग्यारहवां, सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना भर्जन रोस्टिंग कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना निस्तापन कैल्सिनेशन कहलाता है। बारहवां, धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन मुख्यतः कोयला अथवा कोक से करते हैं। तेरहवां, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को पिघले रूप में हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक फ्लक्स कहते हैं। गालक अशुद्धियों के साथ क्रिया कर धातु मल स्लैग बनाते हैं। चौदहवां, क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती हैं तथा उनके यौगिक मुख्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। पंद्रहवां, धातुओं को अन्य धातुओं अथवा अधातुओं के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु बनाई जाती है।